गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबीआई यूट्यूब क्लास में। तो स्टूडेंट, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन क्लास 9 की मैथ से एक्सरसाइज 2.4 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने बना दिया है, उसके मैंने दो मेथड बताए हैं, बहुत मस्त तरीके हैं, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक फैक्टर फाइंड करते हैं फैक्टर थ्योरम से, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन बदल जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या करना पड़ता है कि हमें पहले कुछ नंबरों से अपने तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस टू, फिर माइनस टू, ऐसे करके सो ऑन। और ताकि जो हमारा पी एक्स है वो जीरो आ जाए, तो जिस नंबर पे पी एक्स जीरो आ जाता है वो हमारी एक फैक्टर हो जाता है। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया था सर कि अगर मान लो कुछ आसान आते हैं तो उसमें भी पता चल जाता है, लेकिन मान लो कोई 11th किसी का फैक्टर बन रहा है, किसी में 12th फैक्टर बन रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे। देखो, आप जनरली इसको देखा करो, ये कितना है, 5 है ना। 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मैं 5 का फैक्टर देखूं तो 5 1 5, यानी कि या तो 1 फैक्टर हो सकता है या 5 हो सकता है। तो यहां से कुछ आइडिया लग सकता है कि हम क्या मल्टीप्लाई करें। अब अगर एक बार हमें 1 मिल गया और एक बार 5 मिल गया, तो देखो 1 में एक बार हम प्लस 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार माइनस 1, 5 में भी एक बार हम प्लस 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार माइनस 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस पे जीरो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब फैक्टर हो जाएगा। तो चलो फिर हम ट्राई करते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्लस वन फिल करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन को छोटा करना चाहते हो तो ये वैल्यू पुट करने वाला काम है, ये आप रफ कर लो। चलो मैं इधर कर लेता हूँ, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 माइनस 9x माइनस 5। यहाँ पे मैं जब 1 रखता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 9 1 जा 9 माइनस 5। देखो माइनस 1 इंटू 3 1 जा 3 हो जाएगा माइनस 9 माइनस 5। अभी देखो ये तीनों साइन माइनस में है, तो 9 प्लस 3 12 प्लस 5 माइनस 17 और माइनस 1 और ये 1, तो यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा ना, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस 16। तो ये नहीं ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, x इज इक्वल टू प्लस 1 नहीं ले सकते हैं। तो चलो फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 लेके चेक करते हैं। तो जब हम माइनस 1 रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, देखो जहां जहां x है वहां वहां पर आप माइनस 1 रख दीजिए। जैसे अभी हम प्लस और माइनस 1 पे चेक कर रहे हैं, प्लस 1 पे हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अब हम माइनस 1 पे यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 4। तो आपको याद रखना है कि अगर पावर ऐड होती है तो साइन माइनस में आएगा, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा भाई, माइनस 1 होगा। अगर पावर इवन है और माइनस 1 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो पावर इवन होने की वजह से जो साइन है वो पॉजिटिव का आएगा, यानी कि 3 इंटू पॉजिटिव 1। ये तो ऐसे ही है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 बन जाए 9 और माइनस 4। आगे थोड़ा सा जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 3 बन जाए 3, यानी साइन माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 4। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये प्लस 9 है और माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो। तो जिस पे जीरो होगी ना, हम उसी को लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे। यहां से अगर आपको पता चल गया तो आप लिखोगे 1 पॉसिबल फैक्टर ऑफ पी एक्स इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, देन अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला सेक्शन दिखा देंगे कि भाई हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि पी अंडर ब्रैकेट माइनस 1, ये यहाँ से 1 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5।
तो यहाँ से आपको पता ही है कि ये पूरा क्या होने वाला है, ये पूरा जीरो होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। तो मैं दोबारा करूँ ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, आप रफ में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, यही वाला है, ठीक है। वापस से यही वाली कैलकुलेशन यहाँ पर है। सो यक्स, अब देखो यहाँ पर यक्स इज इक्वल टू माइनस वन लिया, इधर लाओगे तो यह माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो यक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। Then we divide tx by x plus 1। अब देखो ये जो px है ना आपका, ये x plus 1 एक फैक्टर बना, तो ये gx हो जाएगा और वो px हो जाएगा। उस px में यानी कि इस इक्वेशन में हम इस x plus 1 से डिवाइड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या मैं इसको हटा दूं? आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके मैं इसको हटा देता हूं। तो यहां पर क्या होगा जब डिवीजन करेंगे? देखो डिवीजन ऐसे क्या रहता है, आप इधर राइट कर लीजिए x प्लस वन और यहाँ पर हो जाएगा आपका डिविडेंड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और इधर हो जाएगा आपका cos। जब डिविडेंड में डिवाइडर से डिवाइड करते हैं तो हम इसका पहला टर्म देखते हैं, ये वाला और ये वाला। आसान तरीका ये है कि आप जो डिविडेंड का पहला टर्म है और जो डिवाइडर का पहला टर्म है उसको यहाँ पर डिवाइड कर लो। तो आप देखो x के पावर 1 है तो ये पावर 1 कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा x रे टू दी पावर 2। इससे आपको मल्टीप्लाई करना है या आपके कोसेंट में आएगा या x स्क्वायर। लेकिन दूसरा तरीका आप ऐसे भी देख सकते हो, x के पावर 1 है और x के पावर 3 है, कितना कम है, x स्क्वायर कम है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x प्लस 1। तो पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आ जाएगा, फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ प्लस है तो साइन की कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको आप यहाँ पे राइट करो, कहाँ पर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन बदलेंगे तो जब साइन बदलेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस साइन हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है तो एडिशन होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगला टर्म राइट करेंगे माइनस 9x। अब देखो क्या देखेंगे, यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो सबसे पहले माइनस साइन को लाएंगे, फिर यहाँ पर देखो 1 है यहाँ पर 4 है तो पहले भी 4 लाना पड़ेगा, 4 बन जा 4, यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, 1x की कमी है तो यहाँ पर लाना पड़ेगा x। इस प्रकार से हम पहले टर्म डिविडेंड के पहले टर्म और डिवाइजर के पहले टर्म को देखकर आराम से डिसाइड कर सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है इससे इसमें, तो बगल में मल्टीप्लाई करा लेते हैं माइनस 4x इंटू x प्लस 1। तो देखो ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 बन जा 4x स्क्वायर, और फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 4x, क्योंकि आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो अब ये राइट कर लेते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बदल जाएंगे, माइनस का प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस 9x है और प्लस 4x है, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, साइन माइनस का आएगा, 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5x। अगेन हम आगे ये माइनस 5 को राइट कर लेंगे। अब फिर क्या देखोगे आप पहले इस टर्म को देखोगे ना, ये पहला वाला टर्म और इसका पहला वाला टर्म देखोगे, यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, फिर यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 5 को x प्लस 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इन साइड में मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 बन जाए 5, ये हम राइट कर देंगे यहाँ पर माइनस 5x माइनस 5।
आप देखो सबके साइन बदलेंगे, प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स सेम से में कट जाएगा, ये भी सेम से में कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा जीरो। तो जिस स्टेप पे हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है उस स्टेप पे हमारा जो कोशेंट है वो एक प्रकार से आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर तो हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक छोटा सा पार्ट है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अप्लाई करेंगे भाई रिमाइंडर थ्योरम बाय यूजिंग डिविजन थ्योरम। तो देखो डिवीजन थ्योरम क्या होता है, ये होता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इन टू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, आप लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है, जहां पर पी एक्स ये पॉलिनोमियल है, जी एक्स ये वाला फैक्टर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यू एक्स ये कोशियंट है, आर एक्स रिमाइंडर है जो कि जीरो है। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए, हमारे पास है x cube minus 3x square minus 9x minus 1 is equal to x plus 1 और ये आ जाएगा x square minus 4x minus 1। अब देखो ये quadratic equation है, इधर वाला एक quadratic equation है, तो इसको भी हमें factorize करना पड़ेगा दोबारा। कैसे factorize करेंगे, देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो माइनस 4 है, और जो c की वैल्यू है वो भी माइनस 5 है, यहाँ से ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि रूल में प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं, 5 × 5, अब 5 के फैक्टर फाइंड करते हैं तो 5 के दो ही फैक्टर होते हैं 1 और 5। अब इसमें क्या करें हम, देखो अगर हम इनका एडिशन करेंगे 5 + 1 तो 6 आ जाएगा या नहीं चलेगा, और माइनस 5 − 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये पॉसिबल है, क्या चीज 5 − 1 करेंगे इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है, ये हम वहां पर रख देते हैं। तो रखने के बाद क्या आएगा वो देख लीजिए, x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस यहां पर रखेंगे 4 के प्लेस में 5 − 1 x माइनस 5। अब देखो यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट पहले से आ गया तो इसको कर लिया, बिग ब्रैकेट कर लीजिए, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, x प्लस 1। अब देखो ये फिर से ब्रेक होगा x स्क्वायर, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 से तो माइनस आ जाएगा 5 × x 5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × x x, है ना, 1 राइट नहीं करते माइनस 5। अब यहाँ पर देखो ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया, तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 5, और यहाँ से देखो x माइनस 5 ऑलरेडी है, कुछ कॉमन लेना नहीं है तो कॉमन लेंगे प्लस 1 x माइनस 5। जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना होता है तो हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या रहेगा, x प्लस 1 और एक तरफ आ जाएगा x माइनस 5। देखो यहाँ से ये वाला और ये वाला सेम सेम है, x माइनस 5 x माइनस 5, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 1। तो आप देखो कि जो फैक्टर आया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 वो आ गया x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1। इसको आप फर्दर ऐसे भी राइट कर सकते हो, हालांकि ये हमारा आंसर हो गया है ना, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर थर्ड फैक्टर, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर या x माइनस 5, ठीक है, आप ऐसा भी राइट कर सकते हो, बट आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इसे राइट डाउन कर लिया होगा, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।